नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ह्यूंडई क्रेटा और किया सेल्टोस का, जो राइवल नया इंडिया में आने वाला है। काफी सारे कॉम्पिटिटर्स ऑलरेडी हैं, लेकिन एक और नया स्कोडा की तरफ से कुशक, एक संस्कृत नाम है पर ठीक है, आने वाला है जल्द इंडिया में। अब जो न्यूज और इसकी थोड़ी सी ऑफिशियल स्लैश अनऑफिशियल न्यूज आ रही है, वो नेक्स्ट मतलब जून में ही बता रहा है, पर इस कोरोना पेंडेमिक के बाद देखते हैं कब तक ये लॉन्च होगी, क्योंकि ऑलरेडी काफी कार्स लॉन्चेस डिले हुई हैं। तो इसका देखने वाला है कब तक ये रहेगी इसकी लॉन्चिंग टाइम। लेकिन आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, जो इसके इंजन ऑप्शन हमें कौन कौन से देखने को मिलेंगे इसमें, और कौन कौन से उसमें ट्रांसमिशन ऑप्शन देखने को मिलेंगे। जो सबसे पहले इंजन ऑप्शन है, और एक और बात, इसमें कोई भी डीजल ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा एट द पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग, मतलब जब भी ये स्टार्टिंग में लॉन्च होगी। अब टाटा ऑल्ट्रोज की तरह है, इसने बाद में कभी अपग्रेड किया तो ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसमें 1.0 लीटर थ्री सिलेंडर TSI इंजन देखने को मिलेगा, और ये थोड़ा फैमिलियर सा इंजन है, क्योंकि स्कोडा इसे ऑलरेडी रैपिड, जो इनकी सेडान है, उसमें दे रही है। और ये कितना पावरफुल है ये तो खैर ऑन रोड या फिर टेस्ट ड्राइव पे ही पता चलेगा, बट नंबर्स की बात कर ले तो ये 109 BHP की पावर जनरेट करता है और 175 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ये पीक टॉर्क होता है ऑब्वियस। और अगर इसके ट्रांसमिशन की हम बात करें तो इसमें हमें दो मिलेंगे, दो ट्रांसमिशन, एक 6 स्पीड मैनुअल और दूसरा है 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गेयर बॉक्स। सेकेंड, जो कि थोड़ा एनर्जेटिक और जिपी इसे के नाम दिया जा रहा है, 1.5 लीटर TSI इंजन विद एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी ACT। अभी कितना एनर्जेटिक है ये भी ऑन रोड पे ही पता चलेगा टेस्ट ड्राइव में। फिर से इसके भी ऑन नंबर्स हम बात कर ले तो 148 BHP की पावर जनरेट करता है, 250 Nm का पीक ये जनरेट करता है। इसमें मैनुअल ट्रांसमिशन हमें देखने को मिलेगा, वही 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गेयरबॉक्स, लेकिन ऑटोमेटिक में हमें इसमें DSG, एक्चुअली 7 स्पीड DSG देखने को मिलेगा, जो कि हमें कभी बाद में फोक्स वैगन की टी रॉक जो नई आने वाली है उसमें भी देखने को मिल सकता है। और DSG अगर आपको नहीं पता तो डायरेक्ट शिफ्ट गेयरबॉक्स, इसमें पूरा जो भी सिस्टम होता है वो इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड होता है और ये काफी रिलायबल माना जा रहा है, और ड्यूअल क्लच का इसमें यूज होता है। जो कंट्रीज इसे पहले से मतलब काफी टाइम से यूज करती आ रही है, हमारे पास तो अभी तक DCT वगैरह ही टेक्नोलॉजी थी, अब लेकिन कंपनीज ने DSG वगैरह लॉन्च करना शुरू कर दिया है इंडिया में भी, लेकिन जहाँ ये पहले से ऑलरेडी यूज किया जा रहा था तो वहाँ पे काफी रिलायबल माना जा रहा था, अगर ये 6 स्पीड और 7 स्पीड में आए तो। अब हमें यहाँ पे 7 स्पीड में मिलता है तो ठीक है। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको पसंद आया हो तो। तब तक के लिए बाय।